Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. आपको पता चल गया होगा ये थंबनेल किस चीज का व्लॉग है। आइए चलिए देखते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह कि सुबह सुबह मुझे मेरे अब्बू उठाने के लिए आ जाते हैं। मैं उनसे कहा था कि मैं रोज़ा रखूँगा, वो तो उठाने आ जाते हैं। मेरा उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। सहरी का टाइम है अनस, रोज़ा रखना है नहीं रखना है अनस? अनस वेक अप। लेकिन फिर भी मजबूरन उठता हूँ। उठने के बाद सुबह उठने की दुआ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहिन नुशूर। उसके बाद सुन्नत को फॉलो करते हुए अपनी आँखों को मसलता हूँ, नाक को ब्लो करता हूँ और उसके बाद जो है मैं वॉशरूम की तरफ चला जाता हूँ अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैं बाहर का रुख करता हूँ। वहाँ मेरी अम्मी सबके लिए सहरी का इंतज़ाम कर रही हो। सबसे पहले मैं प्यालियाँ उठाता हूँ और उनको दस्तर पर रखता हूँ। फिर उसके बाद प्लेटें और थोड़ी प्लेटें और आखिर में चम्मच है। मैंने अपने आदू से फरमाइश करके जो हलवा पूरी मंगवाई होती है वो दस्तर पर रखता हूँ। सालद निकालने के लिए प्यालों की ज़रूरत होती है तो प्याले रखता हूँ और आखिर में पानी देता हूँ। सबसे पहले बहुत प्यास लग रही होती है तो मैं पानी पीता हूँ। उसके बाद अबू ने मेरे सामने चने रख दिए। अब चने मुझे पसंद नहीं है तो मैंने अम्मी से फरमाइश की मैं चाय के साथ पूरी खाऊंगा, तो उन्होंने मुझे चाय बना दी। उसके बाद मैंने मज़े ले लेके अपनी सहरी मुकम्मल की और चाय पूरी को ख़त्म किया। Oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Allah, yeah, Allah, don't deprive me, Allah. अगले दिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे अबू मेरे रोज़ा रखने की खुशी में अपनी बहनों यानी मेरी पप्पू को इफ्तारी भिजवाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद हम जो है वो इफ्तारी देने के लिए चले जाते हैं। एक छोटे से सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं सबसे पहले मेरी छोटी पप्पू के घर। मैं वहां पहुंचता हूं और अफ्तारी उनको देता हूं और वो मुझे ढेर सारी दुआएं देते हुए वहां से रुखसत करती हैं। वहां से फारिग होने के बाद हम जाते हैं बड़ी पप्पू की तरफ। वहां उनको भी जल्दी जल्दी अफ्तारी का सामान देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और अफ्तारी का टाइम होने वाला होता है।
तो हम जल्दी जल्दी इफ्तारी देते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते मुझे शदीद पानी की प्यास लगना शुरू हो जाती है। अब मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब हम घर पहुंचते हैं तो घर वाले जो हैं मुझे होमवर्क करने में लगा देते हैं। अब अफ्तारी में आधा घंटा बचा होता है, मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ अपना। अल्लाह से दुआ करने के बाद फाइनली सायरन बजता है और मैं अपना रोज़ा इफ्तार करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे तौफीक दी कि मैं अपना पहला रोज़ा रख सकूँ। सुन्नत को फॉलो करते हुए खजूर से मैं अपना रोज़ा इफ्तार करता हूँ। और बिरयानी मेरी फेवरेट है तो घर वालों ने मेरे लिए बनाई होती है, तो मैं जल्दी जल्दी बिरयानी पे हाथ साफ करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। मेरा पहला रोज़ा के शुक्र से मुकम्मल हुआ। और मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।